वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th प्लस दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर केवीएस एनवीएस पीजीडी एग्जाम्स। सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर सबसे पहले हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है। इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है, जो कंसर्न है, किससे कंसर्न है, किससे रिलेटेड है, रिलेटेड विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें रिसोर्सेज को किस तरीके से क्या करना है, एलोकेट करना है इन सच अ मैनर, किस तरीके से कंज्यूमर को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर को क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, एंड सोसाइटी को क्या मिले, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिले। इस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी के रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे कि ये जो तीनों एजेंट्स हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड सोसाइटी, ये लोग क्या कर सके, अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कर सके। ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है द मीनिंग ऑफ स्केयरसिटी। स्केयरसिटी का मतलब क्या होता है? स्केयरसिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्केयरसिटी। लेकिन इकोनॉमिक सेंस में हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज है, इन्हीं रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, एंड दीज रिसोर्सेज आर स्केयर्स इन नेचर। ये रिसोर्सेज नेचर में क्या है, स्केयर्स है, बट स्केयरसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी कि जब आपके रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा होती है लेकिन उसकी सप्लाई क्या होती है, उसकी सप्लाई जो है वो कम होती है। मीन्स वेन द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड दी स्केयरसिटी। उसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्केयरसिटी कहते हैं। आप किसी चीज की डिमांड करने गए लेकिन उस चीज की सप्लाई नहीं है, तो इसका मतलब क्या, उस चीज की कमी है, और उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम स्केयरसिटी कहेंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चॉइस। चॉइस का क्या मतलब है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन। किसी चीज को क्या करना, सेलेक्ट करना फ्रॉम द वेरियस अल्टरनेटिव, जो हमारे पास लिमिटेड अल्टरनेटिव्स हैं। लिमिटेड क्या है, ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में से आपको क्या करना है, उन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है, इसी को हम क्या कहते हैं, चॉइस कहते हैं। ऐसा क्यों है कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं और इन्हीं लिमिटेड ऑप्शंस में से हमें सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है। बट समझते हैं, हमारी एक इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी में हमारे पास प्रॉब्लम है किस चीज की, स्केयरसिटी की। प्रॉब्लम है किस चीज की, स्केयरसिटी की। किसकी स्केयरसिटी हमारे रिसोर्सेज में, हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है रिसोर्सेज के स्केयरसिटी की। रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी में क्या है, बहुत ही स्केयर्स नेचर में है, बहुत कम है। अब इन्हीं रिसोर्सेज को हमें इस तरीके से एलोकेट करना है। एलोकेट करना है क्या, कि हमें हमारे कंज्यूमर को क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, हमारे प्रोड्यूसर को क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, और हमारी सोसाइटी को क्या मिले, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिले। अब इन्हीं रिसोर्सेज के क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस हैं, अलग अलग यूजेस हैं, और अगर अलग अलग यूजेस हैं तो हमें उनमें से क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस में से, उन ऑप्शंस में से हमें चूज करना पड़ेगा। अगर मान के चलो आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके घर वालों ने बोला कि आप जाओ और आपके मन में जो आ रहा है वो परचेज करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको जो चाहे, आपके पास रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड दे दिए, तो क्या आपके पास चॉइस की प्रॉब्लम अराइज होगी? क्या आप चूज करने के बारे में सोचोगे? क्या आप ये सोचोगे कि नहीं, मेरे पास तो रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है, मुझे अपने ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, उनमें से जो प्रायोरिटी बेसिस पे है फिर मैं उसी को ही क्या करूंगा, चूज करूंगा? ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में क्या है, हमारे सामने रिसोर्सेज बहुत ही स्केयर्स नेचर में है, बहुत कम है हमारी इकोनॉमी में, और हमारे इन कमी रिसोर्सेज की वजह से हमारे सामने प्रॉब्लम अराइज होती है किस चीज की, चॉइस की। समझते हैं, इट एमर्जेस। क्यों एमर्ज हुई है हमारे सामने चॉइस की प्रॉब्लम? बिकॉज दीज रिसोर्सेज आर वेरी स्केयर्स इन नेचर। ये रिसोर्सेज क्या है, स्केयर्स इन नेचर में। सेकेंड, रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूजेस। मीन्स एक सिंगल रिसोर्स है, हम उसके क्या यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हम देख सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान के चलो कि आपके पास एक लैंड है, ठीक है, और लैंड क्या है हमारा, लैंड हमारा एक रिसोर्स है। क्या हमारी इकोनॉमी में या वर्ल्ड में किसी के पास भी अनलिमिटेड लैंड अवेलेबल है? नहीं है। दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। अब एक पर्सन के पास ऑप्शन है कि वो पर्सन उस लैंड पे एग्रीकल्चर भी कर सकता है, वो पर्सन उस लैंड पे बिल्डिंग बना के कोई बिजनेस भी ओपन कर सकता है। विद दिस लिमिटेड रिसोर्स द पर्सन हैज द वेरियस अल्टरनेटिव्स, द वेरियस ऑप्शंस। अब इन दोनों में से वो ऐसा ऑप्शन चूज करेगा, वो प्रोड्यूसर है, वो ऐसा ऑप्शन चूज करेगा
कि उसे क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। चूज क्यों कर रहा है, क्योंकि ये रिसोर्सेज क्या है, स्केयर्स है इन नेचर में, और इन्हीं रिसोर्सेज के क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस हैं, अलग अलग यूजेस हैं। सो दैट्स व्हाई देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है, अराइज होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक प्रॉपर डिफरेंस करेंगे आप चाहे तो, लेकिन डिफरेंस करने से पहले हम समझते हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है। आप अपनी 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे और उसके साथ साथ एक और सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसका नाम है स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। ये आप पढ़ोगे किसमें, 11th में। 12th में आप क्या डिस्कस करोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, प्लस उसके साथ साथ आप पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आप डिस्कस करोगे 11th में और 12th में। तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ही सिंपल है, आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा कि माइक्रो में क्या है हमारे सामने आई और मैक्रो में हमारे सामने क्या है ए। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होगा इंडिविजुअल। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूं, कोई डिफरेंस नहीं है ये। आई का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल। और ए का मतलब हम मान के चले, ए का मतलब होता है ऑल या फिर होल। अभी हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में हमने ये देखा है कि हम किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, मींस हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करेगा एक इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, एक इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड। मान लो एक फर्म है, एक प्रोड्यूसर है, उसके बारे में डिस्कशन करेगा, उसकी स्टडी करेगा कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करेगा, ये स्टडी करेगा होल इकोनॉमी की। लाइक आप मान के चलो होल इकोनॉमी में क्या आ जाता है, बजट, होल इकोनॉमी में क्या आ जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। होल इकोनॉमी में और क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन। ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, होल इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं हम कहां पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और सिंगल पर्सन की स्टडी हम कहां करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम करते हैं इसका डिफरेंस कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में। और ये डिफरेंस तो अब हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें पता चल गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है, द प्रॉब्लम एट एन इंडिविजुअल लेवल, कि इंडिविजुअल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करती है द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। डिफरेंस हमेशा जब भी करो, 11th हो 12th हो, हमेशा करो डिफरेंस बेसिस फिर फर्स्ट टॉपिक और फिर सेकेंड टॉपिक। आपको बेसिस के पॉइंट पे अगर आप डिफरेंस कर रहे हो तो आपको हमेशा डिफरेंस याद रहेगा। आप याद करने के लिए बेसिस याद करो, अपने आप ऑटोमेटिकली आपको पूरा का पूरा डिफरेंस याद हो जाएगा। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस है मीनिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, ये स्टडी करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हम रिलेशनशिप स्टडी करेंगे वो करेंगे एट एन लेवल ऑफ इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स, इनके बेसिस पे। मीन्स एक इंडिविजुअल पर्सन की, इंडिविजुअल इंसान की हम क्या कर रहे हैं, वो फर्म हो, वो हाउस होल्ड हो, वो कोई भी एक इंडिविजुअल हो, खुद हो, तो उसकी हम स्टडी कर रहे हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या रिलेशनशिप किसके बेसिस पे, द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी के बारे में वो क्या करता है, स्टडी करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं रिलेटेड विद, कंसर्न्ड विद। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किससे कंसर्न्ड है, किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है विद द डिटरमिनेशन ऑफ आउटपुट, कि आउटपुट कैसे डिटरमाइन होगा, कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, प्लस प्राइस कितने होंगे, लेकिन किसी इंडिविजुअल फर्म के लिए, ठीक है, किसी इंडिविजुअल फर्म के लिए या फिर इंडस्ट्री के लिए, कि उस इंडिविजुअल फर्म में या इंडस्ट्री में कितना आउटपुट प्रोड्यूस होना है, कितने प्राइसेस वो रखेंगे, ये कब हम करेंगे इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, कंसर्न है किससे, विद द डिटरमिनेशन ऑफ आउटपुट या फिर प्राइस, किसके, इंडिविजुअल फर्म के या फिर इंडिविजुअल इंडस्ट्री के। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये बेसिकली कंसर्न है किससे, विद द डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। मींस हम यहाँ पे तो पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, तो हम किसी इंडस्ट्री के बारे में तो नहीं कह सकते, किसी एक फर्म के बारे में तो नहीं कह सकते, हम कहेंगे पूरे एग्रीगेट आउटपुट की, पूरी इकोनॉमी में कितना आउटपुट रहेगा, पूरी इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल क्या रहेंगे, उसको एज अ होल। तो हम
हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज अ होल डिस्कस करते हैं एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी में क्या है. नेक्स्ट रेफर्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड एज द थ्योरी ऑफ प्राइस. थ्योरी ऑफ प्राइस भी हम कहते हैं किसे, माइक्रो इकोनॉमिक्स को. और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं, द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. इनकम एट एन इकोनॉमी एज अ होल लेवल, एम्प्लॉयमेंट एट एन होल लेवल की पूरी इकोनॉमी में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, पूरी इकोनॉमी में कितनी नेशनल इनकम है, पर कैपिटा कितनी इनकम है पूरी इकोनॉमी के हिसाब से. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक सिर्फ एक सिंगल फर्म सिंगल इंडस्ट्री, तो इसे रेफर किया जाता है एज अ थ्योरी ऑफ प्राइस. नेक्स्ट अजम्पशन, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि मैक्रो वेरिएबल्स क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट है. कॉन्स्टेंट का मतलब कि अगर मैंने बोला कि एक इंडस्ट्री में इतना प्राइस है इतना आउटपुट है, तो मुझे मतलब नहीं है कि पूरी इकोनॉमी में कितना है, कितने प्राइस है कितना आउटपुट है, मुझे उसकी प्रॉब्लम नहीं करनी है. किसमें, माइक्रो में. तो मैं मैक्रो के वेरिएबल्स को मीन्स पूरी इकोनॉमी में कितनी इंडस्ट्रीज है कितनी फर्म है उनको कॉन्स्टेंट मानूंगी. और किसे मैं किसके बारे में बात करूंगी, सिर्फ एक सिंगल फर्म या फिर एक सिंगल इंडस्ट्री के बारे में. इसलिए एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि मान के चलो कि आप एक बैंक में जा रहे हो, एक पर्सन बैंक में जाते हैं और बैंक से विड्रॉ कर लेता है अमाउंट 10,000 रुपीज. ये माइक्रो वेरिएबल में एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है. लेकिन क्या पूरी इकोनॉमी जाके विड्रॉ कर लेगी, पूरी इकोनॉमी में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सारे बैंक में जाके विड्रॉ कर लेंगे, क्या ये हमारी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए सही है? बिल्कुल नहीं है. तो जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो हम मैक्रो के सारे वेरिएबल्स को क्या मान के चलेंगे कि वो क्या है, कॉन्स्टेंट है. सेकेंड, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते वक्त हम ये मान के चलेंगे कि माइक्रो के सारे वेरिएबल्स क्या है, कॉन्स्टेंट है. अगर हमने एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी में नेशनल इनकम है 10,000. एग्जाम्पल ले रही हूँ कि 10,000 हमारी क्या है, नेशनल इनकम है. हमें ये नहीं, अब उस वक्त हम इस प्रॉब्लम से को सॉल्व करेंगे कि पूरी इकोनॉमी की नेशनल इनकम को हम कैसे इंप्रूव करें. हम ये नहीं देखेंगे कि हम सिंगल ए पर्सन की, बी पर्सन की, सी पर्सन की, उनके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें. वो सिंगल पर्सन की प्रॉब्लम तो हम माइक्रो में सॉल्व करें. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, लेकिन हम माइक्रो के सारे वेरिएबल्स को क्या मान के चलेंगे, कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे. नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है सिग्निफिकेंट रोल. माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इम्पोर्टेंट रोल है, जो सिग्निफिकेंट रोल है, वो कौन प्ले करेगा, वो प्ले करेंगे मार्केट फोर्सेस. कि मार्केट में क्या कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है किसी प्रोडक्ट की किसी एक फर्म में, वो डिसाइड करेंगे उसके प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करेंगे, ठीक है. कौन, मार्केट फोर्सेस, वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम में. लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स एक मैक्रो लेवल पे बात आ जाती है ना, तो वहां पे सॉल्व करने वाली कौन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज. गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज लेके आएगी, जो आप 12th में भी डिस्कस करोगे कि गवर्नमेंट अपनी क्या क्या पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करती है. बजट है जो पूरी इकोनॉमी के लिए आता है, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि कितना टैक्स लगाना है, कितना एक्सपेंडिचर करना है, जिसे क्या कहते हैं, बजटरी पॉलिसी, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं. हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है. ये 5 डिफरेंसेस तो आप कर सकते हो. 6 डिफरेंस हम एक और मान सकते हैं, जो कि हम किसका डिफरेंस बनाएंगे, एग्जाम्पल का डिफरेंस बनाएंगे. अब सारे पॉइंट्स याद करोगे एग्जाम में जाके, कुछ तो भूल ही सकते हो ना, तो एक एग्जाम्पल का पॉइंट आप बना सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल ले लो, इंडिविजुअल फर्म, कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, अ कंज्यूमर, कुछ भी आप बोलो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जाम्पल है, ए प्रोड्यूसर, अ कंज्यूमर, ये एग्जाम्पल है किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के. और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अगर आप एग्जांपल की बात करो, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल हो सकते हैं बजट, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे एग्जांपल हैं किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के. तो हमारे 6 पॉइंट्स हो गए डिफरेंस के. ये है हमारा बेसिक डिफरेंस किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में. ये आज के वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट भी मैं लेके आऊंगी, बने रहिए. एंड दोस्त जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं 11th में जो पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए. पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच. कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग.